आगे बढ़ेंगे। कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन हिंसा की घटनाओं के बाद कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। किसानों के ट्रैक्टर परेड के दौरान दिल्ली में हुई हिंसा की घटना के बाद पुलिस प्रशासन ने सख्ती जहां बढ़ा दी, तो वहीं कई किसान संगठनों ने इस आंदोलन से खुद को अलग कर लिया है। तो वहीं आप बात करें तो किसान वापस कई जगहों से जा चुके हैं। आंदोलन कमजोर पड़ने की खबरों के बीच राकेश टिकैत ने क्या कुछ कहा है, किसान वापस प्रदर्शन पर डटते नजर आ रहे हैं। किसान नेता राकेश टिकैत के आंसू आंदोलन के लिए संजीवनी बन गए हैं। जहां तक एक तरफ कयास लगाए जा रहे थे किसान अब वापस राज्य की ओर लौट रहे हैं, तो वहीं अब गाजीपुर बॉर्डर पर हालात इसके विपरीत नजर आ रहे हैं। राकेश टिकैत मीडिया से बात करते हुए जहां भावुक हो गए, तो उन्होंने पुलिस प्रशासन पर गलत कार्रवाई करने का आरोप लगाया। मीडिया से बातचीत करने के दौरान टिकैत ने धमकी दी कि अगर नए कृषि कानून वापस नहीं लिए गए तो वो आत्महत्या कर लेंगे। टिकैत ने यह भी कहा है कि जब तक उनके गाँव से लोग पानी लेकर नहीं आते हैं तब तक वो पानी भी नहीं पियेंगे। टिकैत के इस बयान के बाद धीमे पड़ते किसान आंदोलन को एक बार फिर से रफ्तार मिलती हुई नजर आ रही है। तो आंदोलन को एक बार फिर से रफ्तार मिलती हुई नजर आ रही है। गाजीपुर बॉर्डर पर मैं मौजूद हूँ इस वक्त और धीरे धीरे करके किसान यहाँ पर और बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। उस तरफ अगर आप देखें किसानों के टेंट्स वैसे ही लगे हुए हैं जैसे पहले लगे हुए थे। बीच में ऐसा लग रहा था कि इन टेंट्स को यहाँ से हटा दिया जाएगा, लेकिन अब फिर से एक बार पहले वाली स्थिति बहाल होती हुई दिख रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि यहाँ पर किसानों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। कहा जा रहा है कि जैसे जैसे दिन चढ़ेगा ये किसान और बढ़ेंगे यहाँ पर। और इसके साथ ही ये जो टैंकर्स आप पानी के देख रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है कि किसान खुद ही अब पानी की व्यवस्था अपने लिए कर रहे हैं। किसानों का ये कहना है कि खुद ही पानी भर कर लाए हैं, क्योंकि राकेश टिकैत ने कल भी ऐलान किया था कि वो पानी इनका यानी कि प्रशासन सरकार का पानी भी नहीं पिएंगे। तो इस तरह के तेवर अब किसान दिखा रहे हैं। यहाँ पर मौजूद है कुछ किसान, हम उनसे बात करते हैं। ये पानी आप लोग खुद भर के लाए हैं? हाँ, खुद भर के लाए हैं। पानी ही का पिएंगे नहीं, हमको खुद ट्रैक्टर हमारा ट्रैक्टर से लेंगे, हमारा टैंकर है। तो दिल्ली का कुछ भी नहीं लेंगे, जो कुछ खाने पीने का वो घर से ले आए हैं, कोई चीज नहीं लेंगे। मदद सरकार दिल्ली सरकार की तरफ से भेजी गई है क्या? नहीं भेजी गई, कुछ मदद नहीं भेजी गई। पहले आ रही थी मदद? नहीं कुछ नहीं आई, नहीं पहले तो कुछ मदद आ रही थी सुना है। पहले दिल्ली सरकार मदद कर रही थी, वैसे सोशल मीडिया पे भी हमारा साथ दे रही, दिल्ली पुलिस भी साथ दे रही है। और सबसे ज्यादा धन्यवाद हम आपको मीडिया देना चाहूंगा, जो रात की बात मैंने टिकैत साहब की बात जो आपने उजागर की से हमारा देश का किसान एक बार फिर से एकजुट हो गया। टिकैत के आंसुओं ने बुझती हुई उस चिंगारी में फिर से घी का काम कर दिया। आज वो चिंगारी फिर से एक बार दोबारा बनकर उठेगी और हम तैयार हैं टिकैत के लिए अपनी जान भी दे देंगे। तो ये कह रहे हैं कि टिकैत साहब के आंसुओं ने फिर से एक बार जो सैलाब है उसको बढ़ा दिया है और किसान आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। अच्छा, बिजली भी काट दी गई थी रात को, कब से कब? नहीं बता लग रही, परसों रात को बिजली काट दी थी, पानी भी नहीं भिजवाया था। किसान पानी भी घर से ले आया है और बिजली की हमें जरूरत नहीं है। गोली मार दो मर के तो जा सके। राकेश टिकैत जी के अगर नखून में भी बाल आ गया ना, लाशों के ढेर लग जाएंगे यहाँ, या इतनी लाश पड़ी होंगी कि सरकार उठा नहीं पाएगी। अच्छा, कब से कब तक बिजली कटी हुई? रात रात आठ घंटा बिजली कटी, आठ घंटा, आठ घंटा, आठ। फिर आई थी, फिर चली गई। हाँ, अभी 26-27 दो दिन ना पानी ना बिजली, पुलिस प्रशासन ने पूरा हंगामा तारा, मीडिया ने ये पानी सब टैंकर खुद, ये बाद में आए पानी, ये सब बाद में आए हैं। हमने पानी गांव से ट्रैक्टरों से मंगा लिया और भाई अब तो हम मर के ही जाएंगे। उनका ये कहना है कि वो खुद ही सारे बंदोबस्त कर रहे हैं और खुद ही के बंदोबस्त के आधार पर वो यहाँ पर टिके हुए रहेंगे। और राकेश टिकैत का नाम वो बार बार ले रहे हैं। जाहिर है जिस तरीके से कल भावुक हुए राकेश टिकैत, उसके बाद से किसानों में उबाल है और देखना होगा कि प्रशासन और पुलिस इस पूरे माहौल को और इस पूरी चुनौती से कैसे निपटता है। कैमरा पर्सन अवनीश के साथ शुभ्रा, इंडिया न्यूज़।